बारहवीं कक्षा के हरियाणा शिक्षा बोर्ड के परिणाम में करनाल के इंद्री गांव के कलसोरा की सीमा देवी ने आर्ट्स में जिले में प्रथम स्थान पाने में सफलता हासिल की। उसकी इस उपलब्धि पर पूरे हलके में खुशी का माहौल है। गौरतलब है कि दो दिन पूर्व ही सीमा देवी को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने करनाल में हुए एक कार्यक्रम में प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित भी किया था। इसी के चलते आज रेस्ट हाउस में इंद्री के विधायक रामकुमार कश्यप ने सीमा देवी को सम्मानित करते हुए उसको 5100 रुपए की राशि प्रोत्साहन स्वरूप दी। इस मौके पर जिस दी यमुना पब्लिक स्कूल कलसोरा में सीमा देवी पढ़ती थी, उसके चेयरमैन रणबीर गोयत ने सीमा की इस उपलब्धि पर 51000 रुपए की राशि पुरस्कार स्वरूप दी है। इस अवसर पर विधायक रामकुमार कश्यप ने कहा कि सीमा देवी ने जिले में प्रथम स्थान पाकर पूरे हलके का मान सम्मान बढ़ाया है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण आंचलों में प्रतिभाओं की कमी नहीं है, केवल जरूरत है उस प्रतिभा को निखारने की। कश्यप ने सीमा देवी को उसके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं भी दी। इस अवसर पर स्कूल के चेयरमैन रणबीर गोयत ने कहा कि सीमा देवी पढ़ाई के साथ साथ स्कूल की अन्य गतिविधियों में भी पूरा हिस्सा लेती हैं। उन्हें उसकी इस उपलब्धि पर पूरा मान है। सीमा देवी ने कहा कि यह स्कूल के सब अध्यापकों की कड़ी मेहनत का फल है और वह मुकाम हासिल करने में कामयाब हो पाई। सीमा ने कहा, यदि लगन लगाकर कोई निश्चय कर लिया जाए तो वह अवश्य पूरा होता है। मैंने 500 में से 492 अंक प्राप्त करके करनाल जिले में प्रथम स्थान हासिल किया है और मुझे बीते शनिवार को माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी खट्टर ने मुझे सम्मानित किया था। मैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। और आज हमारे इंद्री के विधायक श्री रामकुमार कश्यप जी ने मुझे सम्मानित किया है और 5100 रुपये सम्मान दिया है, तो इनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और हमारे स्कूल के चेयरमैन माननीय श्री रणबीर गोयत जी, उन्होंने मुझे 51000 देने की घोषणा की है, तो मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और मैं सभी का, बल्कि आने वाले विद्यार्थियों को भी यही संदेश देना चाहती हूँ कि आप भी इसी प्रकार अच्छे अंक प्राप्त करके अपने जिले का, अपने गांव का नाम रोशन करें। यही कहना चाहूँगी, वह अच्छे से मेहनत करें, अच्छे से पढ़ाई करें, अपने लक्ष्य के लिए एकाग्रचित होकर मेहनत करें। धन्यवाद। बड़ी खुशी की बात है हमारे लिए, गर्व की बात है। हमारी एक बेटिया सीमा देवी ने हमारे स्कूल की यमुना पब्लिक स्कूल कलसोरा से, इस बेटिया ने 492 यानी कि 98.4% अंक लेकर के पूरे ज़िले में टॉप किया और कल ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने इनको सम्मानित किया है। और आज हमारे विधायक बहुत ही नेक दिल, बहुत अच्छे विधायक हैं, उन्होंने भी इसको सम्मानित किया और 5100 रुपये देने की एक घोषणा की है, जो एक हमारे लिए गर्व की बात है। और हम स्कूल की तरफ से भी इस बिटिया को 51000 रुपए देने की घोषणा करते हैं। और जब भी हमारा कोई फंक्शन नज़दीक होगा, उसमें हम बिटिया को बुला करके, गणमान्य लोगों को बुला करके उनके बीच में इनको यह राशि देंगे। और हमारे लिए एक बड़े गर्व की बात है भाई, इंद्री हलका के लिए कि पूरे ज़िले में यह लड़की टॉप आई है, तो हमें भी गर्व है और जो इसके सहपाठी हैं उनको भी गर्व है। और दूसरे बच्चों में भी इस प्रकार की कंपटीशन की भावना बढ़ती है तो उससे प्रेरणा मिलती है, इस प्रकार आगे बढ़ने का एक मौका मिलता है, उसको हमें तत्पर रहना चाहिए। ठीक है, आपके सामने लड़की खड़ी है, ये प्लस टू में इसने, गुड़िया ने 98 point something नंबर लिए हैं। तो ये जो इसकी जो स्कोरिंग है, ये सारे जिला करनाल में ये टॉपर है और ये टॉपर भी जो हमारे हल्के के इंद्री के, इसकी इस अवसर पर इसको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। इसको आज हम सभी ने यहाँ इसको सम्मानित किया है, जो स्कूल के इंचार्ज प्रिंसिपल साहबान हैं गोयत जी, जो हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, इनके स्कूल है, इनके स्कूल में पढ़ती है, इनके स्कूल के में मैं वार्षिक सम्मेलन में भी गया था, वार्षिक फंक्शन में, तो इन्होंने इसको इस खुशी में एक स्कूटी देने का इन्होंने घोषणा करी है। और मैं गुड़िया मैंने भी अपने उससे 5100 रुपये इसके गुड़िया के इसको हौसला फजाई के लिए मैं देने की घोषणा करता हूँ। बाकी और मैं उम्मीद करता हूँ, जैसी लड़की से मैंने पूछा था अभी, आप क्या करोगे आगे, या कहती है मैं LLB करूँगी, खुद उसके बाद उसने एक लाइन और जोड़ दी, मैं जज बनूंगी निश्चित तौर से। जिस लड़की में इतनी मतलब वो है, इतना मतलब कॉन्फिडेंस है, तो ये वास्तव में निश्चित तौर से आप सभी के सामने कह रहा हूँ मैं, ये LLB भी करेगी और ये जज भी जरूर लगेगी। भाई ले उसे खुशी में ले बेटा। एक दूसरा और खुशी का आज, ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।
धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.